26 जनवरी आने वाली है, आप सभी को पता है, और बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों। यमुनानगर जगाधरी में पहुंचने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर। जी हां, धाकड़ जानकारी चैनल पर आपको पहले ही अवगत कराया जा रहा है, आपको पहले ही इसकी जानकारी दी जा रही है दोस्तों। पता चला है कि अब की बार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पधारने वाले हैं और ध्वज को फहराएंगे साथ के साथ। दोस्तों आप सभी को बड़ी अपडेट बता देता हूँ, चर्चा का विषय जो भी फैमिली आईडी है उस पर भी बातचीत की जाएगी और जितने भी अंत्योदय गरीब परिवार हैं, जी हाँ दोस्तों, उन सभी के बारे में चर्चाएं की जाएंगी और बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे दोस्तों। परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर आप सभी की जो जो भी क्वेरीज हैं वो सभी आप वहाँ पर सुन पाएंगे और साथ के साथ उसके हल और निवारण भी मनोहर लाल खट्टर करने वाले हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट है और यहाँ पर जो भी कहा जाएगा दोस्तों आप लाइव सुन सकेंगे। इसके लिए आपको धाकड़ जानकारी चैनल पर 26 जनवरी का वेट करना होगा। आपको चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी जो जो भी वार्तालाप की जाएगी दोस्तों। वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा 26 जनवरी दोस्तों। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस प्रदेश में 26 जनवरी 2023 को पूर्ण हर्षोल्लास व गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जगाधरी यमुनानगर में ध्वज को फहराएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों तैयारी बिठा लीजिए आप भी, और इसके साथ साथ जो अभी अभी दोस्तों 58 मिनट ही हुए हैं इस ट्वीट को किए हुए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लाभार्थियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया गया है। इस दौरान सीएम ने जो उनको आदेश निर्देश दिए हैं वह दोस्तों आगे बढ़ने के लिए सदैव रास्ते खुले हैं, इसके लिए आपको अपने कौशल को और भी विकसित करते रहना होगा, रहना चाहिए, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है। तो दोस्तों यही एक अपडेट थी आप सभी के लिए और वेट कीजिए, बड़ी से बड़ी अपडेट आने वाली है, धमाकेदार से धमाकेदार अपडेट आने वाली है हमारे चैनल पर। ये वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ।